दोस्तों हमारा ईसीआई का पेमेंट फिर से रिलीज हो चुका है। हम दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमारे सीएससी वीएलई भाई हैं जो इकोनॉमिक सेंसस का कार्य कर रहे थे, उनके लिए दोस्तों ये खुशखबरी है कि ईसीआई का पेमेंट हमारा फिर से रिलीज हो चुका है। चलिए दोस्तों सबसे पहले अपना जो डीजीपी है उसको लॉग इन कर लीजिए। अभी यहाँ पर डैशबोर्ड पर हमारा वॉलेट में अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने पहले हम चेक किया, इसके बाद ये अमाउंट यहाँ पर हमारा दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप लॉग इन करके आएंगे डीजीपी, तो आपका डायरेक्ट यहाँ डैशबोर्ड पर शो नहीं होगा। इसके लिए आपको पासबुक पर आना है। पासबुक पर जैसे ही आएंगे तो जो आपको दोस्तों नई एंट्री है वो शो हो जाएगी, जो आपका पेमेंट आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है 30 तारीख आज ही को पेमेंट आया हुआ है, और ये हमारा जो पेमेंट आया है 2519 रुपये पेमेंट आया हुआ। तो ये अगस्त 2020 ईसीआई, ये दोस्तों अगस्त का हमारा आया हुआ है, जो हम लोगों ने अगस्त में काम किया हुआ था उसका ईसीआई का पेमेंट हमारा आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हम जो कार्य कर रहे थे ईसीआई का, और उसका पेमेंट बाय दर बाय हमारा आ रहा है, तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। और दोस्तों जो भी हमारा बचा हुआ फाइनल पेमेंट है, अब इसके बाद जो भी आपने सर्वे किए हैं, इसके बाद यहाँ तक जो आपका पेमेंट आ चुका है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा अप्रैल से जुलाई तक का आ चुका है, अब ये दोस्तों मेरा अगस्त में मैंने किया हुआ था तो ये अगस्त का भी आ चुका है कमीशन बेस पे। और जो फाइनल पेमेंट बचा हुआ है, अब मेरा फाइनल पेमेंट यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा पेमेंट आया हुआ है वो 2519 है, और फाइनल पेमेंट इसके बाद हमारा फाइनल पेमेंट जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो दोस्तों हमारे सीएससी एंड ट्रिक्स एंड ट्रिप्स ब्लॉगिंग एंड ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिन लोगों को पेमेंट नहीं आया हुआ है वो लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने अगस्त में काम किया था, अगर किया है तो आपका पेमेंट जरूर आया होगा, या किसी कारण से नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता। तो उसके लिए या आप शिकायत जनरेट करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।